हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं योनि व्यापद रोगों की संख्या को याद करने की ट्रिक के बारे में। योनि व्यापद रोगों की संख्या 20 होती है। आचार्य चरक ने योनि व्यापद रोगों की संख्या 20 मानी है और आचार्य सुश्रुत ने भी जो योनि व्यापद रोग होते हैं उनकी संख्या को 20 माना है। इन रोगों की संख्या को आज हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। पहले याद करते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो योनि व्यापद रोगों की संख्या 20 होती है उनके नाम को। दोस्तों, यहाँ पर इस ट्रिक में मैं आपको योनि व्यापद रोगों के जो 20 नाम होते हैं वो तो याद कराऊंगा ही सही, साथ ही साथ आपको इसके अंदर जो दोषों की प्रधानता होती है उसको भी याद कराऊंगा, क्योंकि ये जो दोषों की प्रधानता होती है आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ट्रिक को। सबसे पहले आपको वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, फिर वात के साथ एक बार पित्त और वात के साथ कफ को एक बार लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, वात के साथ एक बार पित्त को लिख दिया और वात के साथ एक बार कफ को लिख दिया, इस तरह से एक लाइन में इनको लिखना है। देन उसके बाद क्या करना है, इनकी संख्या आपको लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले वात के अंदर 11 होती है, इसको आपको कैसे याद करना है, आप देखते हैं जो V होता है कैसे बनता है, एक इधर लाइन खींचेंगे, एक इधर लाइन खींचेंगे तो V बनता है, तो एक इधर तो 11, इस तरह से आप दिमाग में रख लीजिए कि वातज जो योनि व्यापद रोग होंगे वो कितने होंगे, 11 होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पित्त, पित्त के अंदर 3 योनि व्यापद होते हैं, अब इनको कैसे याद करना है, जब हम सॉन्ग को सुनते हैं तो हम MP3 सॉन्ग को सुनते हैं, कैसे सॉन्ग को सुनते हैं, MP3, तो P3, तो यहां पे इस तरह से आप याद कर लें कि P के अंदर कितने योनि व्यापद रोग आएंगे, 3। नेक्स्ट बात करते हैं कफ के अंदर 1 आएगा क्योंकि ये सिंगल बार लिखा है, सन्निपातज के अंदर भी 1 आएगा, यहां पर वात और पित्त दो दोष हैं तो योनि व्यापद जो रोग होंगे वो भी 2 होंगे, यहां पर वात और कफ हैं तो योनि व्यापद रोग भी 2 होंगे। एक बार और समझाता हूं, यहां पे क्या किया, V को बनाने में एक लाइन इधर से खींचेंगे, एक लाइन इधर से खींचेंगे, तो इस तरह से 1 और 1 आप 11 याद कर लें। कोई गाना सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, तो उसके अंदर हम कौन सा सुनते हैं, MP3 सॉन्ग सुनते हैं, तो MP3 P3, तो यहाँ P3 आ जाएगा। कफ एक बार है एक बार लिख दिया, सन्निपातज एक बार है एक बार लिख दिया, वात और पित्त दो दोष हैं तो 2 रोग, वात कफ दो दोष हैं तो 2 रोग, इस तरह से आपने संख्या लिख ली। अब इसको लिखना कैसे है, इनके अंदर हमें जो योनि व्यापद रोग हैं उनको कैसे याद करना है। अब यहाँ पर जो दोष हैं उसके अकॉर्डिंग एक एक नाम आ जाएगा। पहले ये देखिए, वात के अंदर वातिकी, पित्त के अंदर पित्तिकी, कफ को श्लेष्म भी बोलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा श्लेष्मकी, सन्निपात से लिख देना है आपको सन्निपातकी। आगे चले तो ये जो हमने दोष लिखेंगे इन्हीं से हम जो रोग हैं उसको बना लेंगे। वी से याद कर ले वामिनी, पी से याद कर लीजिए परिप्लुता, इसी तरह यहाँ पर जो वी है उसको यू समझिए और यू से याद कर लीजिए उपलुता और के से याद कर लीजिए कर्णिनी। एक बार और समझाता हूँ, क्या किया, दोष के अकॉर्डिंग लिख दिया वातिकी, पी से लिख दिया पेत्तिकी, कफ जो होता है उसको श्लेष्म भी बोला जाता है तो यहाँ पे लिख दिया श्लेष्मी की, और सन्निपात से यहाँ लिख दिया सन्निपाती की। यहाँ दोषों से ही रोग को बना देंगे, तो वी से याद करना है वामिनी, पी से याद करना है परिप्लुता, यहाँ पर जो यू वी है उसको यू के समतुल्य मानेंगे और यू से याद करेंगे उपप्लुता और के से याद करेंगे कर्णिनी। तो इतना काम हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पित्त के अंदर हमारी एक डिजीज तो हमें याद हो गई, बची 2, तो पित्त जो होता है वह रक्त के समतुल्य होता है तो यहां पर आपको लिखना है रक्त योनि। सेकंड क्या बन जाएगा यहां पे, रक्त योनि, क्योंकि पित्त को किसके समतुल्य माना गया है, रक्त के समतुल्य, तो रक्त योनि। और एक एक्स्ट्रा आपको यहां पे याद कर लेना है अरजस का, क्या एक्स्ट्रा याद करना है, अरजस का। अब यहाँ पर आ जाते हैं वात के अंदर, हमको वातिकी एक डिजीज तो याद हो गई, यहाँ पर कितनी बची, 10। अब 10 को याद करने के लिए एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, ट्रिक को समझते हैं। यहाँ पर 10 नाम हम इससे याद करेंगे, आपको क्या करना है, अब एक लेडीज है, एक वुमन है जिसका नाम क्या है, सुषमा,
सुषमा को योनि व्यापद रोग हो रहा है, ऐसा आप दिमाग में रखें कि सुषमा को योनि व्यापद रोग हो रहा है। फिर आपको ट्रिक याद करना है कि प्राचीन अति आचरण से मेरे पुत्र को उदावर्त रोग हुआ। कोई दूसरा आदमी है जो सुषमा को बोलता है कि प्राचीन अति आचरण से मेरे पुत्र को उदावर्त रोग हुआ, मीन्स प्राचीन काल में या पूर्व जन्म में मैंने गलत आचरण किया, उसकी वजह से मेरे पुत्र को कौन सा रोग हुआ, उदावर्त रोग हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति सुषमा को बोलता है जिसको योनि व्यापद रोग हुआ है। अब इसको डिकोड करते हैं। सुषमा से हम पांच डिजीज बनाएंगे। सुषमा के शु से याद करना है आपको शुष्का, देन अगेन यहां शु को सु समझे और सु से याद कर लीजिए सूचीमुखी, मुखी से एक और मुखी याद हो जाएगा अंतर्मुखी। नेक्स्ट यहां पे दिख रहा है आधा श, इस श से याद करना है शंडी। नेक्स्ट यहां पे दिख रहा है म, म से याद करना है महायोनि। क्या याद किया, शुष्का के शु से शुष्का, फिर अगेन इस शु को सु माना और सूची मुखी बनाया, मुखी से एक और मुखी बनाया अंतर्मुखी, देन आधे श से याद किया शंडी और म से याद किया महायोनि। ये हमारा डिकोड हो गया। नेक्स्ट ट्रिक याद कर डिकोड करते हैं कि प्राचीन अति आचरण से मेरे पुत्र को उदावर्त रोग हुआ। प्राचीन से याद करना है आपको प्राकचरणा, अति से याद करना है अतिचरणा, आचरण से याद करना है अचरणा, पुत्र से याद करना है पुत्रग्नि और उदावर्त से याद करना है उदावर्ता। आगे बात करते हैं दोस्तों आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग योनि व्यापद रोग के बारे में। आचार्य सुश्रुत ने भी आचार्य चरक के ही समान योनि व्यापद रोगों की संख्या 20 मानी है, तो आचार्य सुश्रुत ने भी योनि व्यापद रोगों की संख्या 20 मानी है। अब दोस्तों इनको कैसे याद करना है, तो सबसे पहले हमें दोषों के अकॉर्डिंग चार पार्ट डिवाइडेशन करने हैं। सबसे पहले लिखना है वात, देन लिखना है पित्त, देन कफ लिखना है और लास्ट में आपको लिखना है सन्निपातज। सबसे पहले क्या किया, चार डिवीजन बनाए दोषों के, वात पित्त कफ और सन्निपातज। अब क्या करना है, जो वात है उसके अंदर पांच योनि व्यापद रोग आएंगे, पित्त के अंदर भी पांच योनि व्यापद रोग आएंगे और कफ और सन्निपातज के अंदर भी पांच पांच योनि व्यापद रोग आएंगे। अब दोस्तों हमें पहले दोष के अकॉर्डिंग एक एक योनि व्यापद रोग याद करना है। वात के अंदर आएगा वातला, पित्त के अंदर याद करना है पित्तला, देन कफ के अंदर याद करना है श्लेष्मला, क्योंकि कफ को श्लेष्मी भी बोला जाता है, और सन्निपातज के अंदर आपको याद करना है सर्वजा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, वात पित्त कफ और सन्निपातज चार डिवाइडेशन किए, देन इन सभी से पांच पांच योनि व्यापद रोग बनेंगे तो उनको लिखा, देन दोष के अकॉर्डिंग एक एक बनाया, वात से वातला, पित्त से पित्तला, कफ को श्लेष्म भी बोलते हैं तो उससे बनाया श्लेष्मला और सन्निपात से बनाया सर्वजा। अब दोस्तों यहां पर हमें चारों डिवीजन के अंदर एक एक योनि व्यापद रोग तो याद हो चुका है, अब हर डिवीजन के अंदर चार चार और योनि व्यापद रोग बचे हैं, उसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। यहां पर आपको ट्रिक याद करना है परी को विबंध उदर में, तो कोई लड़की है परी, उसको क्या होता है, विबंध होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है उदर में, मींस एब्डोमन में, पेट में, इस तरह से आप याद करें कि परी को विबंध उदर में। सेकेंड लाइन याद करना है आपको पूर्वा स्त्रंसिनी, नेक्स्ट क्या याद करना है पूर्वा स्त्रंसिनी। अब आपको यह दिमाग में रखना है कि दो लड़कियां हैं जो सुषुत के अंदर योनि व्यापद रोग के अंदर आएगी, पहली कौन परी और सेकेंड कौन सी है पूर्वा। परी को क्या होता है, विबंध होता है उदर में, और पूर्वा को क्या होता है, योनि व्यापद की एक डिजीज होती है स्त्रंसिनी। अब इन दोनों लड़कियों को क्या हो रहा है, दो डिजीज हो रही है, तो अब क्या करते हैं इनके घर वाले जो फैमिली मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, इनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब वो डॉक्टर कौन है, ए के सर। क्या किया दोस्तों, सबसे पहले एक लड़की परी को विबंध हुआ उधर में, सेकंड लड़की जो है पूर्वा उसको एक योनि व्यापद रोग हो चुका है स्त्रंसिनी। इनके जो रिलेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, इनको डॉक्टर को दिखाने ले जाते हैं, और डॉक्टर का नाम क्या है, ए के सर। अब क्या करना है, जो ए के सर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों को ट्रीटमेंट के लिए क्या बताते हैं कि आपको इन दोनों के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको क्या दिया
दिया जाए, पथ्य और अपथ्य के द्वारा ही इनका ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा, तो वो क्या कहते हैं कि फल के द्वारा, फ्रूट के द्वारा ही इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो प्रिस्क्रिप्शन में कुछ फ्रूट के नाम लिख देते हैं और उस फ्रूट की सूची को या फल की सूची को या फ्रूट की लिस्ट को उस लड़की के रिलेटिव को दे देते हैं और बोलते हैं कि फल की सूची मार्केट सेंड करो, क्योंकि उनको क्या करना है, वहाँ से मार्केट से फ्रूट मंगाना है और उन दोनों लड़कियों का ट्रीटमेंट करना है। तो वो क्या बोलते हैं कि फल की सूची को मार्केट सेंड करो। अब इन चार लाइन से ही हम बाकी के सारे योनि व्यापद योग आसानी से याद करेंगे। सबसे पहली लाइन देखिए, परी को विबंध उदर में, तो यहाँ पर परी से याद कर लीजिए परिप्लुता, विबंध से दो बनेंगे, विबंध के वी से याद करना है विप्लुता और बंध से याद करना है बंध्या। नेक्स्ट याद करना है उदर, उदर से याद करना है उदावर्ता। आगे बात करते हैं पूर्वा स्त्रंसिनी, पूर्वा स्त्रंसिनी के अंदर आपको ध्यान में रखना है जो पूर्वा है उससे तीन बनेंगे, पूर्वा के पू से याद करना है पुत्रग्नि, र से याद करना है रक्तशरा, वा से याद करना है वामिनी और स्त्रंसिनी एज इट इज कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आगे एकेसर, एकेसर के अंदर हमारे दो वर्ड यूज होंगे ओनली, ए और के, ए से तीन बनेंगे अतिचरणा अचरणा अत्यानंदा और के से बनेगा करणिनी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारी ट्रिक क्या है, फल की सूची मार्केट सेंड करो। फल से आपको याद करना है फलिनी, सूची से याद करना है सूचीमुखी, मार्केट से याद करना है महती और सेंड को इसी की जैसी राइमिंग में शंड हम लिखेंगे तो सेंड से बनेगा शंड। एक बार और बताता हूँ, सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर जो एक एक हमारा योनि व्यापद रोग था वो तो हमें आसानी से याद हो गया था, जो बाकी के चार चार हर कैटेगरी के अंदर बच्चे हैं उनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक लगाई है। उसके अंदर क्या किया, दो लड़कियाँ हैं परी और पूर्वा, परी को विबंध होता है उदर में और पूर्वा जो होती है उसको योनि व्यापद रोग होता है स्त्रंसिनी। इन दोनों को इनके रिलेटिव डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर का नाम है एके सर। एके सर क्या बोलते हैं कि इनका ट्रीटमेंट हम फ्रूट के द्वारा ही कर देंगे, तो आप क्या करो, फ्रूट की लिस्ट डॉक्टर बनाता है और रिलेटिव को देकर बोलता है कि इस फल की सूची को मार्केट सेंड करो। अब यहां पर हमें कैसे याद करना है, पहली हमारी ट्रिक थी परी को विबंध उदर में, तो परी से परिप्लुता, विबंध में वी से विप्लुता, बंध से बंध्या और उदर से याद कर लेना है उदावर्ता। पूर्वा के अंदर से पूर्वा से तीन बनेंगे, पूर्वा के पू से पुत्रग्नि, र से रक्तशरा, वा से वामिनी और स्त्रंसिनी जो होगा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। एके सर के एके जो वर्ड है उससे हम बनाएंगे, ए से बनेंगे तीन अतिचरणा अचरणा अत्यानंदा और के से बनेगा करणिनी। लास्ट की लाइन है फल की सूची मार्केट सेंड करो, फल से याद करना है फलिनी, सूची से याद करना है सूचीमुखी, मार्केट से याद करना है महती और सेंड जो है सेम टू सेम राइमिंग वर्ड मिल रहा है शंड, तो उससे हमें याद कर लेना है। तो इस तरह से आपको बाकी के योनि व्यापद रोग भी याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।